हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज के इस क्लास में। और कल जैसा कि आप सबों को पता ही था कि हम सबों ने रीजनिंग के पड़ाव पर मिरर इमेज को पूरी तरह से खत्म किया था। मिरर इमेज के समाप्त के उपरांत आज हम सब अपने वाटर इमेज की ओर उन्मुख होंगे और ये देख पाएंगे कि किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जल प्रतिबिंब कैसे बनता है। सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर इमेज। वाटर इमेज दैट यू कैन से द जल प्रतिबिंब। जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं छात्रगण, बस 10 मिनट में आपकी टॉपिक ये खत्म कर देंगे आज वाटर इमेज का। जब हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, वाटर इमेज की बात करते हैं, तो सीधे सीधे आपको इतना ही ध्यान में रखना चाहिए प्रतियोगी विद्यार्थियों कि मिरर इमेज का जो हॉरिजेंटल पोजीशन है, मिरर इमेज के क्षैतिज कतार पर जो आपके इमेज का दृष्टव्य होता है, जो इमेज आपको बनता हुआ नजर आता है, उसी पूरे इमेज के रिस्पेक्ट में जल प्रतिबिंब की पूरी कहानी लिख दी जाती है। अर्थात आपने कल मिरर इमेज में यह पढ़ा था, आपने दर्पण प्रतिबिंब में यह पढ़ा था कि जो वस्तु जहां पर रहती है वहीं पे वो इन्वर्टेड हो जाता है, पलट जाता है। इसकी पूरी डिटेल मैंने प्रीवियस क्लास में डाली है छात्रगण कि एक एक कैपिटल लेटर, एक एक स्मॉल लेटर, नंबर सिस्टम, ये कैसे जो है वो अपना स्थान को पलटता है, कैसे अपने स्थान को वो पलट करके अपनी जगह से वो अलग होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल जल प्रतिबिंब में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिंपल सी आपको बातें याद रखनी है और वो यही है कि वाटर इमेज के केस में, इन द केस ऑफ ए वाटर इमेज, जो वस्तु जहां पर है वहीं पे वह इन्वर्टेड हो जाता है, पलट जाता है। पलटने की पूरी विधि कल आपने मिरर इमेज के हॉरिजेंटल पोजिशन पे सीखा है छात्रगण। बस एक दो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ये चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो इसका बेस जो फंडा है जल प्रतिबिंब का, वो मिरर इमेज से लिया गया है। एक फंडा कंसेप्ट के रूप में आपको लिखा देते हैं सो दैट कि ये पूरा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या होगा? जो प्रतिबिंब दर्पण के क्षैतिज कतार, हॉरिजेंटल मिरर में बनता था हूबहू प्रकार का प्रतिबिंब, हूबहू उसी प्रकार का प्रतिबिंब जल में बनता हुआ नजर आता है। जल में बनता हुआ नजर आता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि राम जो है वो जल में कैसे दिखेगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, तो आपने मिरर इमेज के केस में देखा था छात्रगण कि पूरे राम के केस भी क्या होता है कि वस्तु अपनी ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाता है, पलट जाता है। पलटने का तात्पर्य है छात्रगण, ऊपर की आकृति नीचे चली आती है और नीचे की आकृति ऊपर चली जाती है। तो सेम टू सेम, R A W, M becomes the W, A like this one and R like this one। तो ये कहा जा सकता है छात्रगण कि किस प्रकार से जो हमने मिरर इमेज के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, उसी प्रकार से ठीक वाटर इमेज का कंसेप्ट है कि वस्तु एक ही कंसेप्ट है कि वस्तु अपनी ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाता है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना करके एक दूसरा कंसेप्ट इसमें लिख लेना है, और पहले प्रीवियस क्लास में आपने ये कंसेप्ट लिया है इसलिए आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए। वस्तु अपने ही जगह पर इन्वर्टेड, वस्तु अपने ही जगह इन्वर्टेड जाता है।
वस्तु अपने ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाता है। दैट्स इट। तो कुछ भी नहीं था प्रीवियस क्लास, चूंकि बहुत ही डिटेल्स मैंने इसमें पढ़ाया है छात्रगण, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें हमको मूव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये पूरी जो आपके राम जो लिखा हुआ है वो किस प्रकार से अपने जगह पर इन्वर्टेड हो गया है। कंसेप्ट हमने पुटअप कर दिया है कि वस्तु अपने ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाता है, मीन्स पलट जाता है। इस छोटे से कंसेप्ट के सहारे हम सब जो है पूरी तरह से जल प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, और मेरा वाटर इमेज का चैप्टर भी यहीं पे क्लोज होता है। इसके लिए बहुत सारा टेस्ट सीरीज आपको हम डाल देंगे, उस टेस्ट सीरीज से आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट कि पूरी चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। जब आप घड़ी की बात करें कि सर किसी घड़ी को जब जल में देखा जाए तो उसके क्या बिहेवियर होंगे, आपको मैंने कल ही बताया था कि मिरर इमेज में आपको जो बेस बनाना है, हॉरिजेंटल मिरर में जो आपने बेस बनाया था 9:15 पे, ठीक वही बेस आपको इसमें भी बनाना है। एक हम इसका घड़ी का भी आपको एग्जांपल ले देते हैं सो दैट कि आपको कहीं कोई इशू ना हो आपके लिए, और नेक्स्ट हम आपके लिए वो करवा देते हैं। तो छात्र एक चैप्टर के साथ एक फ्री हो गया। मिरर इमेज के हॉरिजेंटल पोजिशन पढ़िए या वाटर इमेज पढ़िए, बोथ ऑफ द केसेस आर बीइंग द सेम, इसलिए आपको कहीं किंचित मात्र का भी संदेह नहीं होना चाहिए। आइए उसी अंदाज में हम सब घड़ी को भी देख लेते हैं, है ना, और एक छोटी सी हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जल में घड़ी। ठीक है, कोई भी समय ले लेते हैं, सपोज कीजिए ले लेते हैं 8:20 और देखते हैं कि इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ओके, कुछ नहीं, एकदम याद होगा प्रीवियस क्लास कल आपको पढ़ाया गया था, याद है ना, क्या बताइए तो, वेरी गुड, ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर। लेकिन ये तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि वहां पे कांटा तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करना है, 9.25 का बेस बनाना है। तो आप देख लीजिए 8 जो है वो 9 से ऊपर है कि 9 से नीचे है, ये क्या घड़ी मेरे पास में है बताइए, ये 9 से ऊपर है, 8 जो है 9 से ऊपर है कि 9 से नीचे है, 9 से नीचे है, कितना नीचे है, एक नीचे है, एक ऊपर कर देना है, तो क्या हो गया, ये बन जाएगा क्या आपका 10। 20 के रिस्पेक्ट में क्या है, वो 15 पर है, 15 का बेस, 9:15 का बेस हमको बनाना था, आपको मालूम होगा कि सर ने 9:15 का बेस बनाया है, तो 15 को लेकर के वो कितना आ जाएगा, 15 से एक नीचे, आप देख लीजिए एक नीचे है तो 15 से एक ऊपर कर देंगे, यानी हो जाएगा 10। तो यदि घड़ी 8:20 बता रहा है तो यह समय 10:10 होगा, जल प्रतिबिंब पे यही घड़ी आपको 10:10 का समय दिखाएगा। यू कैन चेक डियर फ्रेंड्स, 10:10 का जो कंसेप्ट होगा, ये 10:10 के कंसेप्ट पर हम सब जो है 8:20 को लेकर के आगे चले जाएंगे। अगर हम 10:10 का जल प्रतिबिंब देखें तो आपको आंसर 8:20 प्राप्त हो जाएगा। सो ये एवरीवेयर इट इज प्रूव्ड, इसलिए आपको जरा सा भी कुछ नहीं सोचना है, और बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में घड़ी का बनना और जल प्रतिबिंब में घड़ी के इमेज का बनना, ये पूरी चैप्टर हम सबों ने यहाँ पर छात्रगण समाप्त किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम चैप्टरों को बहुत बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास किया होगा, और अब हम आगे की ओर आपको लेके चलते हैं और आगे कई सारे चीज़ आपको बताने का प्रयास करते हैं। छात्रगण, आप सबों ने देखा कि किस प्रकार से मिरर इमेज और वाटर इमेज के चैप्टर में हम सबों ने अपनी कमांड हासिल की है, वो चैप्टर का पड़ाव वहीं तक खत्म होता है। इसी के साथ हम एक छोटा सा चैप्टर और है जो आपको तुरंत सिखा देते हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे सभी छात्र जो कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, SSC और रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद अमूल्य साबित होगा, और वो असीमित ऊर्जा के साथ में छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा छात्रगण, हैशटैग पे ये टॉपिक को मैं लिख देता हूं, घंटे तथा मिनट के कांटे के बीच एंगल ज्ञात करना, घंटे तथा मिनट के कांटे के बीच में एंगल ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन छात्रगण। एक आपको एक घड़ी का चित्र बनाते हैं, ये 12, ये 6, ये 3 और ये हो गया आपका 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर आपका घड़ी दिखा रहा है यहाँ पे 8:20, ओके, ये कोई समय है, मैंने आपको पहले ही कहा छात्रगण
कि 8:20 का समय होगा उसमें ये कांटा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए इन सब चीजों को नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन आपके पास घंटे तथा मिनट के कांटों के बीच में एंगल ज्ञात करने में, बस ये एंगल आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, निकाला जा रहा है, दिस इज द एंगल। ओके, कि हाउ टू फाइंड, मतलब कहता है कि घंटा और मिनट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। इन रफ लैंग्वेज वी कैन से डियर फ्रेंड, सर अपने घर की भाषा में हम बात करें तो घर की भाषा यही कह रहा है कि इन दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री के कोण का निर्माण होगा। यही एक क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रगण, और परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्रिएट होंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये पूछ रहा है, एक एंगल तो वो ज्ञात करने के लिए हो गया। एक इस प्रकार की घड़ी लेते हैं और इस प्रकार की घड़ी में हम देख पाते हैं छात्रगण कि किस प्रकार से जो है आपका ये चलता है और कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं छात्रगण। आप सभी अपना कॉपी पेन निकाल करके प्रैक्टिस मेरे साथ करते चले जाइएगा, ठीक है ना। और समय पुनः ले लेते हैं हम सब 8:20। ओके, तो हमारे पास दो एंगल होगा, एक तो इंटीरियर एंगल आपको पूछे और दूसरा एंगल आपको पूछे एक्सटीरियर एंगल। सो वी हैव द टू क्वेश्चंस अराइज ओवर हियर, द नंबर वन वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ द इंटीरियर एंगल और इट शुड बी द एक्सटीरियर एंगल। लेकिन छात्रगण आप याद रखें, परीक्षा में ना तो ऐसे चित्र होंगे, ये सिर्फ एक समझाने का बेस है आपके लिए, परीक्षा में ना तो ऐसे चित्र होंगे ना तो ऐसे चित्र होंगे। एग्जाम लेवल पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा और यही क्वेश्चन होगा कि यदि एक घड़ी में 9:15 हो रहा है तो बताइए कि घंटे और मिनट के समय के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि हम इसके लॉन्ग मेथड पे जाएं छात्रगण, पहले पड़ाव की हम पहले बातें कर ले, पहले ये एंगल निकालना सिखा देते हैं उसके बाद ये सिखा देंगे। अगर इसके पहले पड़ाव की हम बात करें छात्रगण तो, और हम लॉन्ग प्रोसेस पे हम चलें, तो आप देखिएगा कि जब लॉन्ग प्रोसेस पे चलते हैं तो घंटे और मिनट की कहानियां जो है वो अलग अलग बयां होती है। एक मिनट में 3 डिग्री बढ़ता है, एक घंटा में ये बढ़ता है, दीज आर द लॉन्ग प्रोसेस। और मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरे रीजनिंग के दौरान मैं आपको ना तो लॉन्ग प्रोसेस पे फंसाना चाहता हूं, ना तो मैं आपको किसी चीज में किसी अन्य गूढ़ चीजें सिखा करके आपको रहस्यों में खो जाने का सलाह देता हूं। इसलिए अमूर्त चिंतन तो आपको करना है, लेकिन अमूर्त चिंतन में किसी प्रकार का पेचीदा स्थिति पे जटिल अवस्थाओं में आपको नहीं फंसाना है छात्र। एकदम सिंपल सा एक रूल्स बता देते हैं, आप गूगल कैलकुलेटर पर भी जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी आपको यह गलत नहीं होगा। सीधा सीधा एक छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लीजिएगा, इट इज ए कैलकुलेटेड फॉर्मूला। फॉर्मूला कहां से आया है यह आपको जानने की आवश्यकता नहीं, बस आप इस फॉर्मूला को यूज करके दो कांटों के बीच में, घंटे के कांटे और मिनट के कांटों के बीच में बहुत बहुत आसानी तरीके से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और यह सूत्र होगा इसका, सूत्र फॉर्मूला सूत्र है 11/2। अच्छा, इसको बाद में ले लेते हैं, उसके पहले हम सब कर लेते हैं 30-6। इसको पहले भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 30 × a - 11/2 b, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है छात्रगण, 30 × a - 11/2 b, वेयर a इज इक्वल टू घंटे का कांटा। आपको देखना है कि घंटे का कांटा कहां पर है, और b बराबर मिनट का कांटा। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, 30 × a - 11/2 b। इसे रट जाइए छात्रगण, इसे खा जाइए, इसे पी जाइए। ये एक ऐसा कैलकुलेटेड फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी तरीके से छात्रगण दो कांटों के बीच में, घंटे के कांटे और मिनट के कांटों के बीच में डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला इज 30 × a - 11/2 b, जहां ए है मेरे घंटे के कांटे को इंडिकेट करेगा, घंटा का कांटा कहां पर है वो आप समय लिख दीजिएगा, और बी इंडिकेट करेगा कि मिनट का कांटा किस पर है। मिनट मिनट के रूप में लिखे जाएंगे और घंटा घंटे के रूप में लिखे जाएंगे। आइए इस सूत्र के सहारे एक कैलकुलेशन करके, एक क्वेश्चन बना करके आपको दिखाते हैं, सो दैट कि ये पूरी फॉर्मूला आपके क्लियर हो जाएगी। छात्र आप देख पाएंगे यहां पे,
इस घड़ी के लिए हम सब एंगल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र है मेरे पास 30 गुना ए माइनस 11 बटा 2 गुना बी। एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे 30 गुना ए, ये मेरा कितना पर है, घंटे का कांटा कितना पर है मेरा, हम सब कितने डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, ये वाला 8:20, तो घंटे का कांटा कितना पर है, 8 पर है, तो 30 गुना 8 घंटे का कांटा, ए जहां पर घंटे का कांटा है 8 पर है, माइनस 11 बटा 2 गुना बी का कांटा, ये कहां पर है, कहां पर है, 20 पे है, तो बी का कांटा कितना हो जाएगा आपका 20 पे, कहीं कोई दिक्कत, ये ए और बी मान लेने में किसी बच्चों को दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम ए और बी लेने में, बिल्कुल नहीं, ए का कांटा घंटा का कांटा, वो घंटा का कांटा जहां पर है यहां पे 8 पे है तो 8 लिख देंगे, बी 20 पे है 20 पे, अगर वो 10 पे रहता तो 10 लेते, जो समय दिया हुआ है वो समय हम सब आसानी से ले लेंगे। छात्र के कैलकुलेशन करेंगे 38 जा 240 माइनस, ये तो आसानी से कट जाएगा, 2 10 जा 20, 11 10 जा 110, 0 में 0, 4 में 1 गया 3, 2 1, 130 डिग्री, योर आंसर इज कम, यानी कि 8:20 आ रहा है तब आपके घड़ी में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 130 डिग्री का छात्रगण। तो बहुत लंबे कैलकुलेशन पर आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, बाय यूजिंग द वेरी वेरी इजी ट्रिकी अप्रोच यू आर एबल टू फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का जवाब सॉरी बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है छात्रगण। अब एक स्थिति आपको और उत्पन्न होगी, कभी कभी क्या होगा कि आपको ये मान जो है वो छोटा होगा और ये मान बड़ा होगा, ये छोटा ये बड़ा, तब तो आंसर आपका माइनस में होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे छात्रगण कि कभी भी एंगल माइनस में नहीं होते हैं, आप सीधे सीधे बड़ा से छोटा में घटा करके अपना आंसर निकालेंगे। सपोज कीजिए कि यदि आपको 110 यहां पर आ जाता और यहां 240 होता, आप यही काम करते, लेकिन इसके पहले माइनस नहीं लिखते। ये हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव एंगल कभी भी नहीं होते और नेगेटिव एंगल क्वेश्चन के पार्ट नहीं हुआ करते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए कोई भी एक क्वेश्चन बोलिए जिसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 9.25, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 10-10 के निकाल लेते हैं, ठीक है, 10-10 ओके, अपना एज यूजुअल फॉर्मूला लेंगे, 30 into A माइनस 11/2 into B, 30 का 30, A का मान कितना दिया हुआ है 10 लिख लेंगे, माइनस 11/2 गुना B का मान कितना दिया हुआ है 10 2 5 जा 10, 30 10 जा 300 माइनस 11 5 जा 55, 300 में 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 245 डिग्री, ओके? तो कितना इजी वे में हम सब ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेशन कर सकते हैं छात्रगण। अब सेकेंड एक पड़ाव ऐसा आएगा जब आपने हल निकाला, इन दोनों का हल निकाला, आपका आंसर आ रहा है 245 डिग्री, लेकिन जब आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में 245 डिग्री है ही नहीं, आप लग के अरे सर हम लोग को इतना अच्छा से बताया था, हम पूरा फॉर्मूला याद करके आए हैं एग्जामिनेशन देने के लिए और मेरा ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है 245 डिग्री का। आपको उस स्थिति में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब ये एंगल निकालने के लिए दे रहा है तो ये एंगल निकालने दे रहा है कि ये एंगल निकालने के लिए दे रहा है, ये तो आपको मालूम नहीं चल रहा है। वैसे स्थितियों में छात्रगण जो भी वैल्यूज आएगा, यहां कितना वैल्यू आया 245 डिग्री, इसको 360 डिग्री से आपको माइनस कर देना है, तो 360 डिग्री में 45 डिग्री घटाएंगे तो आंसर आपका कितना बचेगा 115 डिग्री। तो हो सकता है छात्रगण कि ऐसी स्थितियों में आपको आंसर कितना दिया हुआ रहे 115 डिग्री, तो ऑप्शन अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद अपना आंसर देंगे। नॉर्मल फॉर्मूला आप यूज करेंगे 30 गुना ए माइनस 11/2 गुना बी, इसका सूत्र अप्लाई करेंगे, 300 - 55 = 245 डिग्री आंसर आपने निकाल लिया। आंसर निकालने के बाद आपकी ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ऑप्शन में ये दिया ही हुआ नहीं है, 245 डिग्री का ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, वैसी स्थितियों और परिस्थितियों में छात्रगण आपको सीधे सीधे आप फटाक से दिमाग में लगाएंगे कि सर हम लोग को बताया था कि अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमको उसको 360 में माइनस करना। देख लीजिए 8:20 के केस में, आप देख लीजिए जब 8:20 का आंसर हम लोग कितना निकाले थे 130 डिग्री, सपोज कीजिए कि 130 डिग्री तो मेरा ये एंगल निकला है और हमें ये एंगल निकालने के लिए दिया है, एग्जाम में चित्र नहीं बना हुआ रहेगा, तो कुछ नहीं बस 130 डिग्री आप जो आंसर निकाले थे उसको 360 डिग्री में 130 डिग्री को माइनस कर देना है,
तो जीरो में जीरो गया जीरो, छः में तीन गया तीन, तीन में 230 डिग्री। देखिए आपका 230 डिग्री आंसर जब हम निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से याद करने का प्रयास कीजिएगा छात्रगण, अर्थात इंटीरियर एंगल आपका 130 डिग्री का बन रहा है और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर साइड का एंगल है वो आपका 230 डिग्री का होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री मेरा आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप एकदम से ऑप्शंस में जाएंगे, बिना ऑप्शन के आप इसमें अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए एकदम ऑप्शन पकड़ करके आपको चलना है और ऑप्शन में जो कुछ भी दिया हुआ है उसी के आधार पर आप आंसर देंगे, क्योंकि चित्र आपके एग्जामिनेशन पे नहीं बने रहेंगे छात्रगण। क्वेश्चन के बोल डायरेक्ट होंगे कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घंटे के कांटे और मिनट के कांटे के बीच में कितने डिग्री का कोण का निर्माण होगा, यही क्वेश्चन का पार्ट होगा छात्रगण। इसको आप विशेष रूप से ख्याल करेंगे। तो बस एक छोटा सा चैप्टर पे आप सबों को आज हम लेकर के गए हैं, मींस मेरा एक ही चैप्टर में तीन पड़ाव था छात्रगण, और पड़ाव था मेरा छात्रगण वाटर इमेज, मिरर इमेज और साथ ही साथ वाटर में घड़ी, मिरर में घड़ी, और चौथे नंबर पड़ाव पर था छात्रगण मेरा कि किस प्रकार से दो कांटों के बीच में एंगल का डिटर्मिनेशन हम सब कर पाने में कामयाब होते हैं। आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहेंगे छात्रगण, एंगल आपको नहीं दिया रहेगा, यदि बाहर का एंगल दिया हुआ है 360 माइनस कर लीजिएगा, अंदर का एंगल के लिए 11/2 माइनस बी वाला जो फॉर्मूला भी आपको लिखाए हैं 30 × a माइनस 11/2 गुना बी का सूत्र याद करके इजिली कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा ऑप्शन में है दैट इज ओके, टिक लगा के मार्कशीट पे कलर कर दीजिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में माउस से टिक लगा दीजिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर सीधे उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के इस काल में आप सब अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस का पूरा पूरा मजा ले रहे होंगे छात्रगण। हम सब आशा और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोगों का वही काल लौट करके आएगा छात्रगण, तमाम रिक्तियां और तमाम वैकेंसियां बाजारों में होंगे। लेकिन इस समय जो अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है इसमें जो बच्चा अपनी अच्छी तरह से रूटीन वाइज घंटे दो घंटे का पढ़ाई कंप्लीट करेगा उसकी सफलताओं का इतिहास रचा जाएगा छात्रगण। मैं चलते चलते बस इतना ही कहना चाहता हूं छात्रगण कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रगण, थैंक यू।